अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज क्योंकि बच्चों का विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुका है और बच्चे घर पे हैं तो रोज नई नई फरमाइशें करते हैं, आज ये बनाए वो बनाए, तो डेली बाहर ले जाना तो पॉसिबल नहीं होता, जाहिर है घर के काम भी होते। तो आज मैंने सोचा कि जिंगर बर्गर बनाऊंगा बच्चों के लिए। ये मैंने अपने हस्बैंड से ही सीखा है, वो शेफ है, जाहिर है उनको अलग अलग वैरायटी की चीज़ें बनाने आती हैं, तो मैंने उन्हीं से सीखा था जिंगर बर्गर। असल में हम लोग जिंगर बनाते थे लेकिन जिंगर पे जो है वो कोटिंग अच्छी नहीं होती थी, तो वो जो था उसका क्रिस्पी जो फ्लेवर था, ये क्रिस्पी उसकी जो पिक्चर होती थी वो नहीं आती थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से सीखा, उन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरह उसकी जो है क्रिस्पी लुक आती है। तो लेट्स स्टार्ट हम लोग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने चिकन के अंदर, बोनलेस चिकन के अंदर मसाला लगा के उसको मैरिनेट किया है। इसमें मैंने सिंपल कुछ भी नहीं ऐड किया, सिर्फ कुटी हुई मिर्ची, लहसुन और चाट मसाला और सिरका, क्योंकि सिरके से ये है कि थोड़ा वो गल जाता है। इसको मैंने एक घंटे पहले मैरिनेट कर लिया था। ये हमारे पास मैदा है और ये कॉर्नफ्लावर है और ये एक बाउल के अंदर मैंने पानी लिया है। अब जो है कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल गरम करना स्टार्ट कर दिया है, मैंने एक घंटे पहले मैरिनेट कर दिया था। अब ये स्टार्ट हो गया, ज़रा ये ऑयल जो है वो तेज़ हो जाए, फिर मैं अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दूँ। आपको दिखाऊंगी कि मैरिनेशन के बाद जब हम कोटिंग कर दें किस तरह, तो उसके ऊपर जो क्रिस्पी लुक आता है जैसे बाहर आता है वो किस तरह। अब जो है इसको भी मैंने बाहर डाल दिया है, ये दो हो गए हैं और अब ये तीन। ये इसी तरह सारा प्रोसेस इसी तरह होगा, जितनी आप कोटिंग करते जाएंगे उतना जो है वो आपका उसके अंदर क्रिस्पी पना आता जाएगा। ये देखिए आप सिरका डाल लिया करें तो सही होता है कि चिकन जो है गल जल्दी जाता है। और कोई फजूल मसाले लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल लहसुन अदरक कुटी हुई मिर्ची थोड़ा सा चाट मसाला, और ये है कि मस्टर्ड पाउडर भी लोग ऐड करते हैं, मुझे मस्टर्ड पाउडर का फ्लेवर थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मुझे समझ ही नहीं आता कि मस्टर्ड पाउडर का फ्लेवर होता कैसे, तो मैं नहीं ऐड करती उसको। देखिए आप थोड़ा ये है कि प्लेट्स जो है वो सीधी हैं तो ये थोड़ा सा बाहर आ रहा है। अब बस ये देखिए ये हो गया। मैं तीसरा भी मैंने फ्राई करने के लिए जो है डाल दिया है। अब जब तक ये फ्राई होते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक पीस ले लिया है, ये मैरिनेट हो गया है। पहले हम इसके अंदर लगाएंगे मैदा, इसको मैदे में इसकी कोटिंग करेंगे अच्छी तरह से, देखिए आप। उसके बाद इसके अंदर कॉर्नफ्लावर लगाएंगे, फिर इसको हम पानी में डिप करेंगे। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ये पानी में डिप होता है, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि पानी में डिप होने से ये कॉर्नफ्लावर और मैदा जो है ये इसके अंदर अच्छी तरह जो है चिपक जाता है। और आप जितनी, ये देखिए एक दफ़ा कोटिंग करी, अब हम इसकी दोबारा कोटिंग करेंगे। ये देखिए उसको एकदम उस तरह झाड़ लेंगे तो इसके अंदर वो जो क्रिस्पीपना होता है ना वो इससे ही आता है। फिर इसको थोड़ा पानी में डिप करेंगे, ये टू टाइम हो गया। अभी हम एक टाइम इसको वन टाइम और करेंगे, ये थ्री टाइम हो गया। आप ये देखिए, आप इसकी कोटिंग करने के बाद इसको थोड़ा झाड़ देते, और ये इसके ऊपर हमने कॉर्नफ्लावर लगाया और फिर इसको हमने झाड़ दिया। और उसके बाद इसको मैंने फ्राई करा डीप फ्राई और लो फ्लेम पे, क्योंकि लो फ्लेम पे ये कि अच्छी तरह ये पक जाता है। ये देखिए आप, ये लो फ्लेम पे मैंने इसको कर दिया है बिल्कुल। अब इसी तरह नेक्स्ट हम दोबारा करेंगे, वही प्रोसेस होगा। पहले उसको हम मैदे पे मैदा कोट करेंगे इसके ऊपर, फिर कॉर्नफ्लावर की कोटिंग होगी इसके ऊपर, और फिर इसको पानी में डिप किया जाएगा, फिर अगेन मैदा ऐड किया जाएगा। अभी फ्रेंच फ्राइज भी बनाने हैं, पहले मैंने सोचा ये कर लूँ, उसके बाद फिर फ्रेंच फ्राइज का प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। बाहर का जो बर्गर होता है एक तो कॉस्टली भी हो जाता है, और दूसरी बात ये है कि फिर जाएं लेके आए और फिर ये होता है हाइजीनिक भी नहीं होता कुछ। तो कोशिश ये है कि जब से मैंने बनाना सीखा है तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि घर का बनाऊँ, अपने हाथ का टेस्ट होता है। देखिए आप, ये बिल्कुल जैसे बाहर बनते हैं ना, बिल्कुल उस तरह तैयार हुए, पक भी गए अंदर से अच्छे, और देखिए उसी तरह बिल्कुल क्रिस्पी स्टाइल आया है इनका। ये देखिए आप, मैं असल में चिकन को ज़रा पकाती ज़्यादा देर हूँ कि कुछ कच्चा बना ना रहे। तो देखिए मैंने इसको कम से कम 50 मिनट
स्लो पे जो है डीप फ्राई करा है ताकि अंदर से कच्चा ना रहे। ये बहुत अच्छी तरह ये देखे बन गए। अब मैं इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ कि वो किस तरह इनको प्रिपेयर किया जाएगा। पहले इसमें मैं थोड़ा सा केचप लगाऊंगी, केचप कम क्वांटिटी में लगाऊंगी क्योंकि कुछ मेरी दो बेटियाँ जो है वो केचप लाइक करती हैं और मैं भी नहीं खाती केचप, तो कम क्वांटिटी में लगाऊंगी, बहुत कम। बाकी इन लोगों को खाना होगा तो ये लोग ऊपर से डाल लेंगी। उसके बाद रखूंगी मैं सैलेड का जो है पत्ता। ये पहले बल्कि ऐसा करी पत्ता रखूंगी यहाँ पे, हाफ हाफ रखूंगी। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं ज़्यादा रख रही हूँ, बच्चियाँ भी खाती हैं पसंद करती हैं। ये देखिए चार बर्गर रेडी कर रही हूँ मैं और बन रहे हैं और ये हो गया बिल्कुल। अब इसके अंदर मैं एक एक ये जो मैंने फ्राई की है चिकन ये रख रही हूँ, इसके ऊपर से मायनीज और केचप ऐड करूँगी मैं। अब हम इसमें थोड़ा सा केचप डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। थोड़ी लाइटिंग का इशू है, किचन में लाइट कम है हमारे थोड़ी इस वजह से। और अब ये मायनीज डलेगी, शौक से खाती हैं तो मायनीज जो है वो ज़्यादा डलती है। देखिए और ये हमारे तकरीबन जो है जो बर्गर जो है वो रेडी हो गए हैं, बिल्कुल देखिए वही लुक आ रहा है जो बाज़ार के होते हैं। इसमें मैं सेटिस्फाई हूँ क्योंकि ये मैंने अपने हाथ से बनाए हैं। ये देखिए हम इसका के अंदर से कितना क्रिस्पी हो रहा है, ये देखिए आप बिल्कुल बाजार जैसे लग रहे हैं, क्रिस्पी दे वो देखिए आप इसका। और इसकी कोडिंग देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं। आ रही हूँ ये देखिए आप वन बाय वन क्या आप देखिए इसको चारों तरफ से, ये पका हुआ भी बहुत अच्छा है और बिल्कुल एज इट इज ऐसा है जैसे बाजार के अंदर क्रिस्पी बर्गर होती है। ये देखिए आप और फ्राइज भी जो है तकरीबन रेडी हो गए हैं, थोड़ा फ्राइज जो है वो ज़्यादा कुक हो गए हैं असल में, तो मैं बर्गर की तरफ लग गई थी, बट नॉट बैड। देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं लुक वाइज भी, फ्राइज भी रेडी हो गए हैं और बिल्कुल वैसे ही क्रिस्पी बर्गर जिंगर बर्गर लग रहे हैं जैसे बाहर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। हाइजीनिक भी हैं, हर तरह से सेफ भी हैं, अपने हाथ के बने हुए हैं तो बच्चों के खिला के खुशी होती है। तो आप जब मुझे खुशी होगी आप बच्चे खाएंगे तो मैं बच्चों को आपका रिएक्शन भी दिखाऊंगी कि वो कितने उनको पसंद आया, किस तरह क्या है क्या नहीं है। तो प्लीज़ आप भी घर में ट्राई करिएगा, बहुत ईजी रेसिपी है, कुछ ऐसे इन्ग्रीडियंट्स मैंने बाहर के ऐड नहीं करे जो घर में अवेल ना हो और मज़ा भी बिल्कुल वैसा है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर दिया करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह।